Skies of a different light, why noise it keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay course of God, but there was no other way. Did you wait? Cause I've been हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस मेकअप लुक में मैं सबसे पहले यूज़ करने वाली हूँ सनस्क्रीन, एज बिकॉज दिस इज़ अ ऑफिस या वर्क मेकअप लुक, तो मोस्टली हम डे टाइम पे ही ये करेंगे ऑफकोर्स। तो यहाँ पे सनस्क्रीन का अप्लाइड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमें कोई भी सन टैन ना हो या सूरज का जो नेगेटिव रेज होते हैं उनसे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट हमारे स्किन को ना पहुँचे। सो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट, एंड आप मेक श्योर करें कि आप 30-40 SPF का ही सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो। मैं यहाँ पे लोटस का सनस्क्रीन लगा रही हूँ, एंड इसके बाद मेकअप के लिए मैं थोड़ा बहुत कलर करेक्शन करूँगी, कलर करेक्शन नहीं जस्ट कंसील करूँगी। सो यहाँ पे मैं NYBA का स्टिक फाउंडेशन एज अ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। मैं मोस्टली इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ, बट आज मैं फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज येस ऑफिस जाने के टाइम पर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लाइक बैठ के ब्यूटी ब्लेंडर से आराम से इसे ब्लेंड करे। सो आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज फिंगर इज़ टोटली ओके ऑप्शन। तो मैं वहाँ पे यही कर रही हूँ, एंड मैं अपने दोनों आईज पे कर लूँगी। बहुत ही सिंपल सटल एंड बहुत ही इजी मेकअप लुक है, नो मेकअप मेकअप काइंडा। देन मैं लगाऊँगी पाउडर, एंड यहाँ पे मैं लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का। तो इसको मैं अच्छे से एक ब्रश के मदद से डस्ट ऑफ कर लूँगी, एंड मैं बाकी के फेस पे भी लगा लूँगी। एंड यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मेरी जो लिप के आसपास के एरिया है वो थोड़ा सा ब्लैक टाइप का, मतलब थोड़ा सा डार्क लग रहा है, तो मैं वहाँ पे भी लगा रही हूँ वापस से वही सेम कंसीलर। एंड डेफिनेटली दिस इज़ नॉट अ फिजिक्स रूल, दिस इज़ जस्ट अ मेकअप, तो आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं जस्ट इसको लगा रही हूँ, एंड देन मैं ऊपर से वापस एक बार पाउडर डैप कर दूँगी तो सब कुछ सेट हो जाएगा। एंड स्वेट प्रूफ है तो डेफिनेटली पाउडर अच्छे से आपको लगाना है। पाउडर क्या करता है, इनिशियली आपके स्वेट को होल्ड करता है, वो उतना ज़्यादा स्वेटिंग होने नहीं देता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। अभी मैं अपना आईब्रो बना रही हूँ, एंड अदरवाइज आप मेकअप स्टार्ट करने से पहले आईज को थोड़ा सा रब कर सकते हो अपने फेस पे, ताकि आपके जो पोर्स है वो अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। अभी मैं एक ब्रश ले रही हूँ उसी सेम पैलेट में जिससे मैंने शिवाना का पैलेट आईब्रो किया, वही सेम कलर अप्लाई करूँगी अपने अपर लिड पे, ताकि मेरे आईलिड को एक हल्का सा टिंट मिले एंड डेप्थ मिले। स्पेशली द गर्ल हु हैज़ हुडेड आई, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्रिक है। आप एक ही पैलेट से काफ़ी सारे यूजेस कर सकते हो, बट आपको करने आना चाहिए तो बस हो जाता है। एंड दिस इज़ अगेन अ हैक, आप आईब्रो पाउडर से भी आई शेडो बना सकते हो। देन मैं प्लम का काजल लगा रही हूँ, एंड येस आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पर लाइनर लगाना शायद दिखाना भूल गई, या तो मैं बाद में लगाई हूँ, वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। अभी मैं लगा रही हूँ मस्कारा विच इज़ फ्रॉम एसेंस। नाउ सी, मस्कारा इज़ अ मस्ट थिंग, क्योंकि हम मास्क मेकअप कर रहे हैं तो फेस के आधे हिस्से तो हमारे ढके रहने वाली है, तो मास्क के लिए यहाँ पे आईज़ को बहुत ज़्यादा गॉर्जियस एंड बहुत ज़्यादा पॉपअप दिखाना ज़रूरी है। तो मैंने आईज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया है इस बार, एंड मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। आप मेक श्योर करें कि आप लिक्विड लिपस्टिक ही लगाएं, ताकि जो बाद में मैट हो सके एंड ड्राइड अप हो सके, अदरवाइज़ उसका स्टेन जो है मास्क में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एंड मैं लाइनर पहले लगाना भूल गई जैसे मैंने बताया, तो मैंने अभी लगा लिया, एंड इसी के साथ मेरी मेकअप हो जाएगी कंप्लीट। सो यस, मैं यहाँ पे लाइनर लगा रही हूँ, एंड आप देखा कितने इजीली कितनी अच्छी एक मेकअप लुक क्रिएट हो गई है। I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know. I-